नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपनी गेमिंग कार्ड फॉर यू में। मैं आपका दोस्त गितेश लेकर आया हूँ आपके लिए नई वीडियो। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है कार हीटर के बारे में। ये उन लोगों के लिए दोस्तों जो अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने नई गाड़ी ली है और जो अभी गाड़ी सीख रहे हैं, तो उन्हें अक्सर दोस्तों नहीं पता होता कि हीटर हम किस प्रकार इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि आप हीटर किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्दियों का मौसम दोस्तों आ चुका है, सर्दियों के मौसम में आपको हीटर किस प्रकार आपको इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों मैं आपको आज मैं बताऊंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सर्दियों के टाइम गाड़ी ऑन करके तुरंत ही हीटर को ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि गाड़ी ठंडी होती है और हीटर आप तुरंत ऑन करने से इसमें एक ECU होता है दोस्तों, जिससे वह डिटेक्ट कर लेता है कि आपके गाड़ी का टेम्परेचर अभी इतना नहीं है कि वह आपके कैबिन में गर्म हवा भेज सके। तो वह क्या करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपके इंजन को पेट्रोल भेजता है, जिससे कि आपका पेट्रोल ख़राब होता रहता है, बर्न होता रहता है। तो दोस्तों, एक तो आपको ये नुकसान होता है कि आपका पेट्रोल ख़राब होता रहता है, दूसरा आपका दोस्तों इंजन और भी तेज़ी से चलता रहता है और दोस्तों वह गर्म उस सीमा तक पहुँचता है जब तक आपके इंजन का टेम्परेचर उतना ना हो जाए उसकी लिमिट तक, तभी वह अपने कैबिन में हवा भेजेगा। तो दोस्तों, इसलिए आप एकदम से गाड़ी ऑन करने के बाद हीटर को ऑन ना करें। तो दोस्तों, हीटर कब ऑन करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप 1 या 2 किलोमीटर अपना हीटर अपना गाड़ी को चला लेंगे, तो आप दोस्तों अपना हीटर ऑन कर लीजिए, जिससे आपका कूलेंट और जो आपका इंजन है वो गर्म हो जाएगा, जिससे आपके कैबिन में फिर हवा आएगी। दोस्तों, ये जो गर्म हवा होती है दोस्तों, ये केवल आपके इंजन और कूलेंट जो आपका हॉट हो जाता है उसी की एयर आपके कैबिन में आती है, जिससे आपको अपने कैबिन को गर्म करने में इतनी खास दिक्कत नहीं होती। अगर आप ठंडी कार के अंदर, खड़ी कार के अंदर एकदम से एसी ऑन कर देंगे, तो ना ही दोस्तों आपका कैबिन जल्दी गर्म होगा और आपका पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा तक गर्म पेट्रोल ख़त्म होएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये उनके लिए जो नई कार लेकर आए हैं और जो अभी सीख रहे हैं दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हीटर ऑन करते समय इसे इस नॉब को रेड पर कर और इसे चला देते हैं, जिससे क्या होता है कि दोस्तों आपके दोनों चीज़ ऑन हो जाती है। ये दोस्तों एक कंप्रेसर के थ्रू चलता है एसी, तो दोस्तों एसी कंप्रेसर के थ्रू चलता है, तो ये 12 वोल्ट का, जैसे आप इसे दबाएंगे तो अपने 12 वोल्ट का करंट अपने कंप्रेसर में भेजेगा, जो कि इंजन के साथ एक बेल्ट के थ्रू बंधा होता है, जिससे कि दोस्तों वह और भी वो चलेगा, जिससे आपके इंजन पर लोड पड़ेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपका हीटर भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए ये उन लोगों के लिए ही है जो अभी नई गाड़ी लेकर आए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि हीटर किस प्रकार चलाना है। तो आपको दोस्तों इसको नहीं दबाना है, केवल आपको इस पर कर अपना इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।